नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुधीर राज जी, जो धर्म की बात को देश विदेशों तक पहुंचाते हैं। सुधीर जी, आपका एसएम न्यूज़ में स्वागत है। जय भारत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एसएम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी, आज बहुजन समाज के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं और कहीं ज़्यादा उन अत्याचारों से मजबूत होकर बहुजन समाज निकल के आ रहा है। उसी तरीके से अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, तो ये क्या है संविधान दिवस, उसके बारे में बताएं ज़रा, और ये इंडिया गेट पर ही क्यों मनाने का रखा हुआ है उसके बारे में भी बताएं। देखिए, दुनिया में जितने भी देश हैं उनको चलाने के लिए एक रूल बुक होती है कि वहाँ के लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए सभी लोगों को। सारी रूल बुक्स में, जितनी भी रूल बुक्स अब तक दुनिया में बनी हैं, चाहे पिछले समय में या अब, उनमें सबसे अच्छी जो रूल बुक है वो भारत का संविधान मानी जाती है, और इसमें सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बराबर की विधान दिया हुआ है। जहाँ भी ये संविधान बने हैं, जिस दिन संविधान मान्यता प्राप्त होती है संविधान को, उस दिन उसका जन्मदिन माना जाता है, और दुनिया के सारे देश अपने संविधानों का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भारत के अंदर भी ये परंपरा है कि भारत में अधिकतर सरकारी क्षेत्रों में, या ये कहें कि जो हमारी राजनीतिक संस्थाएं हैं या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो तो मनाती हैं, मगर भारत की जनता को अभी अपने इस राष्ट्रीय पर्व का ज्ञान नहीं है। और चूंकि अब इंटरनेट आ चुका है, तो लोगों ने बड़ा अध्ययन किया और ये देखा कि भाई सारी दुनिया जब अपना स्वतंत्रता, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस मनाती है, तो हमें भी उसका जन्मदिन मनाना चाहिए। ऐसे ही जो कुछ लोग हैं जो एलिट क्लास के और जो बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया गेट पे अपने परिवार के साथ में इंडिविजुअल रूप से, अलग अलग रूप से आएंगे और अपना चादर दरी बिछा के अपना खाना लाएंगे और वहाँ पारिवारिक रूप से पूरे दिन एंजॉय करेंगे और इसको सेलिब्रेट करेंगे। ये लगभग पिछले 65 से 67 से 68 साल से चल रहा है। हमारे संज्ञान में ये था क्योंकि हम भी वहाँ जाते थे, मगर अचानक तीन चार साल से इसने बड़ा विशाल रूप ले लिया। हुआ क्या कि वो व्हाट्सएप आने से और ये आने से वो खपने जाने लगी, उनके फ़ोटो बाहर जाने लगे, तो सभी लोगों ने उत्साह तक कहा, क्योंकि उसमें किसी का पैसा तो खर्च होना नहीं है और पारिवारिक रूप से पिकनिक मनाना है, पिकनिक के लिए आते हैं, मौसम बड़ा अच्छा होता है और वहाँ फुटबॉल खेलते हैं, वहाँ गाना गाते हैं, वहाँ गिटार बजाते हैं, वहाँ ढोलक बजाते हैं, वहाँ बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहन के खेलते हैं और सब खाना मिल बांट के खाते हैं, तो लगे हाथों वो संविधान का जय और संविधान का भी दिवस मनाते हैं। ये तो उसका एक रूप है जो भारत में इंडिया गेट पर और भी कई जगह देश में होता है। पिछले साल जो खबर आई थी उसमें लगभग 2000 से ज़्यादा कार्यक्रम पूरे देश में मने और देश के बाहर भी मने, ऐसी भी खबर आई, क्योंकि इंग्लैंड का तो मेरे पास पिक्चर भी है जो आई थी और अमेरिका की पिक्चर भी है। तो इस बार सुनने में आ रहा है, क्योंकि पिछले बार कुछ लोग रह गए थे, कि लगभग 3000 से ज़्यादा कार्यक्रम, क्योंकि दिल्ली में ही अब तक 22 कार्यक्रम हो चुके हैं, बड़े छोटे मिला के 22 कार्यक्रम हैं। जो अपने कार्यक्रम लगाते हैं वो तो लगाएं, जैसे कुछ लोग बाइक रैली करेंगे, कुछ लोग कार रैली करेंगे, कुछ लोग सेमिनार करेंगे, कुछ लोग गोष्ठियाँ करेंगे, कुछ लोग संविधान को पढ़ेंगे, कुछ संविधान का जागरण करेंगे, कुछ संविधान का काव्य पाठ करेंगे, कुछ संविधान का गद्य पाठ करेंगे, कुछ जो वकील हैं वो अपना व्हाट्सएप पे इसको समझाएंगे, कुछ लाइव जाएंगे, और जो कहीं भी संविधान दिवस नहीं मनाता है वो इंडिया गेट पे अपना खाना लेके आ जाता है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय ड्यूटी है, राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति अपना कुछ उत्तरदायित्व होता है कि उसका जन्मदिन है धूमधाम से मनाएं, ताकि दुनिया को ये पता चले कि भारत के लोग अपने संविधान में और अपने राष्ट्र में कितना यकीन करते हैं। ये दरअसल एक राष्ट्रभक्ति का आपका पैमाना भी है कि आप अपने संविधान को कितना वेटेज देते हैं और कितना उसको सैल्यूट करते हैं और कितना मानते हैं और कितना उसको मनाते हैं, क्योंकि अगर आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं तो राष्ट्र के संविधान के प्रति अगर समर्पित नहीं है तो पूरी दुनिया आपको मानेगी कि आपका जो समर्पण है वो दिखावा है, क्योंकि आप जो मेन चीज़ है उसका तो सेलिब्रेट करते नहीं हैं और बातें ज़्यादा करते हैं, इसलिए अब बहुत लोग आने लगे हैं। पिछली बार तो जगह भी कम पड़ गई थी, मीडिया भी बहुत आया था और आपका मीडिया भी वहाँ था, मैंने देखा था, तो आपके मीडिया को भी धन्यवाद है क्योंकि आप हमें खाना खिलाते हुए देखते हैं। तो इस तरह से संविधान दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुधीर जी, एक बात बताइए, क्या संविधान दिवस सिर्फ बहुजन के लोगों को ही मनाना चाहिए या सबको मनाना चाहिए? नहीं, अगर कोई आदमी अपने आप को इंडियन समझता है, भारतीय समझता है और देशभक्त समझता है, राष्ट्रभक्त समझता है, तो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी बनती है। खाली कोई तिरंगा लहराए 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर, वो भी हमारे उत्सव हैं, और क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो उत्सव मनता है वो संविधान दिवस में मनता है। आप नेट उठा के देख लीजिए कि दुनिया के अधिकतर लोगों के बड़े रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि ये हमारा बर्थ है, बेसिकली हमारे नेशन का बर्थ का डे है ये। तो कोई नहीं मनाता है तो उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, उसका पता चलता है कि वो देशभक्त है नहीं वो। बिल्कुल ठीक बात है।
सुधीर जी एक बात और बनाई, कैसे बनाना चाहिए संविधान दिवस, वो जरूर हमें बताइए। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि आप दीपावली कैसे मनाते हैं, आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं, आप ईद कैसे मनाते हैं। आप लोगों को ग्रीटिंग्स दीजिए, मिठाई दीजिए, खाना दीजिए, हैप्पी कॉन्स्टिट्यूएंट डे बोलिए, बधाई दीजिए, तार दीजिए, टेलीग्राम दीजिए, एक दूसरे से एक्शन ग्रीटिंग करिए, दुनिया में खबर दीजिए। मतलब ये तो बिल्कुल आपका राष्ट्रीय त्यौहार है, तो इसको बहुत सिंपल बनाना चाहिए। और आपका चैनल तो मेरे ख्याल में इसमें सबसे आगे है, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल में एक महीने पहले ग्रीटिंग स्टार्ट करता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कैसे मनाना चाहिए, आप भी कमाल कर रहे हैं। हमारा जानना ये नहीं होता है कि हमारा जानना पब्लिकली होता है कि उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपका चैनल तो इसमें सबसे नंबर वन है, पूरे भारत में नंबर वन है, जो सबसे ज्यादा करता है काम। धन्यवाद, और उसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे सुधीर राज जी, जिन्होंने हमें बताया कॉन्स्टिट्यूशन डे कैसे बनाना चाहिए। बहुत कोई खर्चा नहीं है इसके अंदर, सिर्फ अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पे आप सेकंड को इनवाइट कर सकते हैं, एक गेट टुगेदर कर सकते हैं, फैमिलियर को इनवाइट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से। और क्यों ना बनाया जाए संविधान दिवस। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान हमें देकर इस देश को एक आज़ादी दी है, और हमको स्वतंत्र भारत के अंदर सांस लेने की जगह दी है। आज हम लोग जो भी पढ़ पाते हैं या महिलाएं जागरूक होकर जो बाहर निकल पाती हैं, वो संविधान की वजह से हैं। तो सभी देशवासियों को संविधान दिवस बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। तो अब हम लोग मिलते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस पर इंडिया गेट पे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़रूर करें, क्योंकि संविधान दिवस है। संविधान दिवस पे अगर आप कुछ कंपोज नहीं कर सकते तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वायरल करें। धन्यवाद।